Hey guys, hope you're doing well and welcome back to my channel. So this video is related to how to use the in sentences. और the का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि. So please watch this video till the end so you know how exactly where to use the in a perfect way. So the first one is, हालांकि आजकल मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा. Though nowadays things are not going well in my life, but still I believe that one day everything will be all right. Though nowadays things are not going well in my life, but still I believe that one day everything will be all right. Next is, हालांकि मैंने उसे आने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वह नहीं आई. Though I have told her to come, but still she didn't come. Though I have told her to come, but still she didn't come. Next is, हालांकि वह घमंडी है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ. Though she is arrogant, but I like her. Though she is arrogant, but I like her. Next is, हालांकि वह हमेशा मेरे संदेश पढ़ती है, लेकिन कभी जवाब नहीं देती. Though she always reads my messages, but never replies. Though she always reads my messages, but never replies. Next is, हालांकि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह काम पूरा करना है. Though I am tired, but still I have to complete this work. Though I am tired, but still I have to complete this work. Next is, हालांकि हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करते. Though we work together, but we never talk to each other. Though we work together, but we never talk to each other. नेक्स्ट इज, हालांकि हम एक ही कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ घूमते नहीं हैं. दो वी आर इन द सेम कॉलेज, बट स्टिल वी डोंट हैंग आउट टुगेदर. दो वी आर इन द सेम कॉलेज, बट स्टिल वी डोंट हैंग आउट टुगेदर. हैंग आउट का मतलब है एक प्लेस जहां पर्टिकुलर जाना पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज, हालांकि वह 50 से अधिक है, लेकिन वह अभी भी युवा दिखता है. मतलब उसकी एज 50 से अधिक है, पर वो अभी भी यंग दिखते हैं. दो ही इज़ ओवर 50, बट ही स्टिल लुक्स यंग. दो ही इज़ ओवर 50, बट ही स्टिल लुक्स यंग. नेक्स्ट इज, हालांकि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और खाना चाहता हूँ. ऐसी सिचुएशन में जब आपका फेवरेट फूड सामने रखा हो और आपका स्टमक ऑलरेडी फुल हो चुका होता है, पर फिर भी और खाने का मन करता है, तो आप कह सकते हैं, दो माई स्टमक इज़ फुल, बट स्टिल आई वॉन्ट टू हैव सम मोर. दो माई स्टमक इज़ फुल, बट स्टिल आई वॉन्ट टू हैव सम मोर. नेक्स्ट इज, हालांकि वे गरीब हैं, लेकिन वे खुश हैं. दो दे आर पुअर, बट दे आर हैप्पी. दो दे आर पुअर, बट दे आर हैप्पी. हालांकि आज धूप दिख रही है, लेकिन बारिश हो सकती है. दो इट लुक्स सनी टुडे, बट इट मे रेन. दो इट लुक्स सनी टुडे, बट इट मे रेन. नेक्स्ट इज, हालांकि वह सुंदर है, लेकिन वह आत्मविश्वासी नहीं है. Though she is beautiful, but she isn't confident. Though she is beautiful, but she isn't confident. Next is, हालांकि वह मासूम दिखती है, लेकिन वह बहुत चालाक है. Though she looks innocent, but she is very clever. Though she looks innocent, but she is very clever. Next is, हालांकि आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जाना होगा. Though today I don't want to go to office, but I have to go. Though today I don't want to go to office, but I have to go. Next is, हालांकि मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वह मेरे बिना जाना चाहता है. Though I am ready to go with him, but still he wants to go without me. Though I am ready to go with him, but still he wants to go without me. Next is, हालांकि मेरे शिक्षक बहुत सख्त हैं, पर फिर भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ. दो माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, स्टिल आई लाइक हिम. दो माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, स्टिल आई लाइक हिम. नेक्स्ट इज, हालांकि मैं अब भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है. दो आई एम हंग्री नाउ, बट आई हैव नथिंग टू ईट दिस टाइम. दो आई एम हंग्री नाउ, बट आई हैव नथिंग टू ईट दिस टाइम. नेक्स्ट, हालांकि वे शक्तिशाली हैं या पावरफुल हैं या बलवान हैं,
लेकिन उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की. Though they are strong, but they never helped anybody. Though they are strong, but they never helped anybody. Well, thank you so much, guys, for watching this video till the end. Please like, share it with your friends and contacts, and subscribe it. And forget not to hit the bell icon so you'll be notified of all my new upcoming videos. Thank you so much once again for watching.